हेलो, ग्रेविटेशन। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, बट देर वॉज सम प्रॉब्लम इन इट। हालांकि मैंने डिलीट नहीं किया है, एक बार आप फिर उसमें देख सकते हैं। वॉइस क्लियर है बट थोड़ा सा डलनेस है। तो एक बार फिर से मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ और हम मेन इस में फोकस करेंगे ग्रेविटेशन के आगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अदर इफेक्ट्स के बारे में। एक बार क्विकली रिकैप ले लेते हैं। ग्रेविटेशन, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर एनी वेयर इन द यूनिवर्स बिकॉज ऑफ देयर मासेस। कहीं भी ग्रेविटेशन का इफेक्ट हर जगह है और ये मास पे डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो भी बहुत हर जगह काम करता है, लेकिन वो चार्जेस पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स है, वो सिर्फ मासेस पे, और मास हर बॉडी में होगा। जब भी हम मैटर की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, तो उसमें मास होगा। तो हर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टी पजिस करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। यानी कि जब हम ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ बोलेंगे, तो उस समय हमें हम केवल ग्रेविटी बोल सकते हैं। ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे देखिए, बट नाउ इट इज जनरलाइज टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक मून, सन एंड प्लैनेट्स टू। तो क्या हो गया, अब ये टर्म और जो हेवनली बॉडीज हैं उनके लिए भी यूज किया जाने लग गया है। तो लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मतलब अर्थ के लिए तो हम सिंपली ग्रेविटी टर्म यूज कर लेंगे, बट फॉर मून, फॉर सन और द अदर प्लैनेट्स वील यूज द टर्म लाइक ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ सन। बट फॉर अर्थ वी विल जस्ट यूज द टर्म ग्रेविटी। ओके, नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत सिंपल सा लॉ है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विच वेरीज एज फॉलोज। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और एफ इज इक्वल टू इक्वेलिटी साइन लग गया, प्रोपोर्शनैलिटी हटके इक्वेलिटी लग गया। तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एम वन एम टू मासेज हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के, आर उनके बीच की डिस्टेंस है। बुक्स में, कई बुक्स में डी लिखा रहता है, बट आप आर की प्रैक्टिस रखिए। क्लास 11th में आपको आर ही यूज करना है, और आगे हायर स्टडीज में भी आर ही यूज करना है। क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन आपको अभी देना काफी लेंथी हो जाएगा। एनीवे, फिर मैं किसी और वीडियो में इस चीज के बारे में बताऊंगा, ये जो सिंबल्स हैं उनके बारे में। एनीवे, नाउ दैट कांस्टेंट जी, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे ग्रेविटी कहने की भूल मत कीजिएगा, इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूरा नाम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू भी है, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आई है इसकी, इसका डेरिवेशन इसलिए पिछले वीडियो में है, तो एक बार उसे देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। थोड़ा सा एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा डलनेस है वीडियो में, बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दैट वीडियो। ओके, तो अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। सो हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो इट इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक, दे आर रिपल्सिव ऑल्सो। इट इज वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस इज अ बिट अ हायर टॉपिक। एक्चुअली देयर इज एटम, इन साइड एटम देयर इज न्यूक्लियस, इन साइड न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स, बट दे दोज प्रोटॉन्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, एंड द फोर्स विच बाइंड देम टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। सो दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग फोर्स इन नेचर। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सो स्ट्रांग देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्सेज। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द बॉडीज। बॉडीज की स्पेलिंग बड़ी गंदी हो गई। एनी वे, सो ना वॉट डज इट मीन, इट मीन दैट इफ देयर आर टू बॉडीज एंड अ मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन दैम, स्टिल दे विल अट्रैक्ट विद द सेम फोर्स। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक दिस मार्कर एंड अर्थ। सो राइट नाउ देयर इज नो मीडियम इन बिटवीन दैम, इट इज
being pulled with the same force. And if I would place any object in between like this, still it will move with the same, it will move under same force. So, means if we place something like in magnetism, if we place something between iron and that magnet, then that force somewhat decreases, but not in the case of gravitation. Next, its expression F equal to gm and m2 upon r square is applicable for all the objects irrespective of their masses. So, as I told you in earlier video, that force between two electrons is however very weak, but still there is a gravitational force between them, and that formula is still applicable for them because they have mass. So it depends upon mass. So however small mass, no problem with that. But if something has mass, it will contribute to gravitational force. It is a long range non-contact force. Long range, it can yeah, we know that because of that expression, that term r square is in denominator. So with increase in distance, gravitational force rapidly decreases, but it does not become zero. It is negligibly small, vanishingly small, but still it is non-zero. So its range is quite large. We consider it up to infinity. Next, this one is big one. It is a mutual in nature. It is mutual in nature. Mutual means it requires two bodies, at least two bodies. And both the bodies in gravitational interaction exert equal and opposite forces on each other, thus follow Newton's third law of motion. That is, if these are two bodies, this is M1, this is M2, this one is pulling this toward it, so this one also pulling it toward it, and with equal and opposite forces, because if we are observing it with reference to M1, still formula will be this, and if we are observing it with reference to M2, still formula is this. So like the system of Earth and Moon. So in this case, what happens? Earth is pulling Moon toward it, and Moon is also pulling Earth toward it with equal force, equal and opposite forces. So the question is, we are standing on the Earth. Are we attracting the Earth toward us? So this is a question for you. Try to answer it. Anyway, now I'm just ending this discussion here, and we will move on to next topic, which is acceleration due to gravity. Actually, in class 9th, why we are studying this gravitation topic? It is because there is a term called acceleration due to gravity, which comes from entire this discussion. And that acceleration due to gravity, somewhat near to Earth, is a constant term. However, if we move away from the Earth about a few thousands of kilometers, then that acceleration due to gravity changes, decreases actually. So now I'm just shifting to the main topic, and that acceleration due to gravity is constant within limit. Within limit, it is constant, and it forms a uniformly accelerated motion, or what I can say, non-uniform motion with constant acceleration. I have given you this example that under gravity, the best example. If someone would ask you that, what is give an example of
नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज द एग्जाम्पल. फ्री फॉल, इट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी मोशन. सो दैट मोशन इवन इफ आई एम थ्रोइंग इट अपवर्ड. सो इन बोथ द केसेस इट इज बींग परफॉर्म्ड अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, और जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऑलराइट, आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा था और ये क्या टॉपिक आ गया. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय द अर्थ, और दूसरी साइड लिखा है वेट ऑफ अ बॉडी. मैंने ये नहीं लिखा है मास ऑफ द बॉडी. थोड़ा सा अच्छा, एक मेरा वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, मास और वेट के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन है, जरूर देख लीजिए. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, ये रही अर्थ और ये रही एक बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे. मान लिया ये मार्कर, इस मार्कर का सेंटर यहाँ पे आएगा और इसका जो रेडियस लिया जाएगा वो हाफ सेंटीमीटर या कहें 1 सेंटीमीटर होगा. तो सेंटर्स के बीच ही डिस्टेंस होनी चाहिए. तो इसकी अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर. ये करीब आपका 6,400 किलोमीटर्स, ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है. और उसके सामने ये 1 सेंटीमीटर और इवन हाफ सेंटीमीटर ये कहाँ टिक पाएगी. तो ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाह रहे हैं किसी बॉडी पे ड्यू टू अर्थ, जब वो अर्थ सरफेस पे है या चलो अर्थ से थोड़ा सा दूरी पे है, खुद सोचिए ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है. इतना ऊपर तो मैं इसे इसके कंपेरेटिव डिस्टेंस पे तो मैं इसे ले जा भी नहीं सकता. जो इवन जो बुर्ज खलीफा है वो भी इतना हाई नहीं है, 1 किलोमीटर टॉल है. जो माउंट एवरेस्ट है वो भी अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर टॉल है. 9 किलोमीटर इज नॉट सो मच. तो हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम ले लिया, इस ऑब्जेक्ट का मास, ये तो अर्थ है, उसे कैपिटल एम ले रहा हूं. कुछ बुक्स में इसके सबस्क्रिप्ट में ई लिख दिया जाता है, जैसे M1 M2 लिखते हैं वैसे ही. और जो डिस्टेंस होती है इनके बीच की वो स्मॉल आर में लिख के कैपिटल आर लिख दिया जाता है. ये क्या चक्कर है भाई, एक्चुअली इट इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस को रेफर करता है और ये एक्चुअल रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस को रेफर कर रहा है उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, और ये रेफर कर रहा है अर्थ की रेडियस को. तो जो यूजिंग F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और फिर ये लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा F, ये वो फोर्स है जो अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट पे, दैट विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. This is the force that earth is applying on that body. और जैसा हमने पहले पढ़ा वो body भी earth पे इतना ही force लगा रही है, दोनों side के लिए लगता है. बस फिर mass का चक्कर होता है, mass जिसका ज्यादा होगा वो dominance में रहेगा. Anyway, now what is this all about? Weight of the body. उससे पहले थोड़ा सा Newton's second law of motion पे चलते हैं. F equal to ma, force produces acceleration. तो ये हो गया, ए इज एक्सेलरेशन. अब अभी इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक जो मैंने लगा रखा है और एक जो इस पे ग्रेविटी ने लगा रखा है. ग्रेविटी की वजह से इसमें नीचे जाने की टेंडेंसी है, मैंने इसे सपोर्ट कर रहा है इसलिए नीचे नहीं जा रहा है. लेकिन जब मैं इसे रिलीज करूंगा इट विल गेट एक्सेलरेटेड. अभी इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया, इस पे उतना ही फोर्स लगा रखा है जितना मैंने लगा रखा है. लेकिन जब मैं इसे रिलीज करता हूं तो इस पे सिर्फ एक फोर्स बचता है, वो रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड. और अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा. तो उस केस में हम कह देते हैं जो इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम कह देते हैं ए
एम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को थोड़ा स्पेसिफिक करने के लिए उसका सिंबल हम कर देते हैं जी। नाउ इट इज एम जी। ऑलराइट, सो वेट ऑफ द बॉडी, मैं सिर्फ बोल देता हूं, वेट ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। सो that is actually weight of the body. There's many time it is misunderstood. Hum weight or mass, casually mass ko hum weight keh dete hain, but mass is something which is matter contained and weight is gravitational force acting on that body. Agar aapko ye background noises sunai de rahe hain, ye kaam bahut door chal raha hai par machine ki awaaz bahut loud hai. Main koshish karunga video editing mein kuch ise remove karne ki. Now, you can write that gravitational force on the body, yeah, force due to gravity, ye jyada acha rahega, force due to gravity on the body is F equal to mg and it is equal to the weight of the body. It is also called weight of the body. So now onward, if we think about weight, we have to say that it is gravitational force acting on us. Weight is different and mass is different. जो आप weighing scale में measure करते हो, that is mass actually. Weight is the gravitational force जो आप पे लग रहा है. Alright, so now this is equation 1, this is equation 2 from 1 and 2. Now I am writing derivation of acceleration due to gravity. आप कहेंगे definition आई नहीं, derivation पहले आ गया. एक्चुअली इसकी डेफिनेशन की उतनी जरूरत नहीं है, बट हम डिफाइन करेंगे, बट पहले डिराइव कर लेते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर एग्जाम में आपके पास ये आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, देन दिस वन. यहां से शुरू मत कर देना. 1 and 2, इट इज एम जी equal to gmm upon r square. So g equal to gm upon r square. What does it mean? That acceleration due to gravity directly proportional to mass of that heavenly body, that body, especially planet or satellite or sun, and acceleration due to gravity is inversely proportional to its square of its radius. कहने का मतलब, अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी हेवनली बॉडी का, किसी प्लेनेट का या किसी मून का या किसी सन का, स्टार का मास बहुत ज्यादा है, तो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होगी, और उसका रेडियस अगर और भी ज्यादा है तो जी कम होगा. आर के बढ़ने से जी कम होगा, एम के बढ़ने से जी ज्यादा होगा. यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे तो सन का रेडियस भी बहुत ज्यादा है, सन का रेडियस ज्यादा है लेकिन उसके कंपैरिजन में उसका मास कई गुना और ज्यादा है. तो ये दो चीजें, जो चीजों का बैलेंस बना रहता है, जैसे जैसे घर में इनकम भी होती है और खर्चे भी होते हैं, तो वैसे ही इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम खर्चे नहीं करेंगे और तब ही जाके हमारे घर में पैसा रहेगा. तो खर्चे भी होते हैं, पर जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है, इनकम अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बस फिर खूब पैसे वाला बन जाता है इंसान. तो इन द सेम वे मास ज़्यादा होगा, जी ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा, जी कम होगा. इन दोनों में से जो इफेक्ट बढ़ गया फिर बस उसका काम बन गया.
Now here, if you have ever heard about black hole. ब्लैक होल क्या होता है? जैसे हमारा सन है, जब की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस एक्चुअली, जब ये पूरी खत्म हो जाएंगी तो फिर उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर ये पहले जैसा नहीं रहेगा, उससे हम स्टार की डेथ कहते हैं। पर अगर सन अभी जितने साइज का है, जितना मास है उसका, अगर कुछ टाइम्स 1000 टाइम्स अगर ज़्यादा होता तो तब ये अगर खत्म होता तो इसने बनना था एक ब्लैक होल। तो ब्लैक होल में क्या होता है, उसका साइज का रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका मास पहले ही ज़्यादा है और उसका रेडियस कम होता है, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कई गुना बढ़ जाता है। अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन ब्लैक होल्स की हम बात करें, वहाँ इतना ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी कि फिर आपने साइंस फिक्शन मूवीज वगैरह में देखा होगा, दैट गोज बियॉन्ड द लिमिट। एनीवे, आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज वैल्यू 9.8 एंड रफली इट इज इक्वल टू 10। पर ये आता कैसे है? तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज जी इक्वल टू gm/r². जी की वैल्यू 6.67 × 10^-11 इंटू मास ऑफ अर्थ, है 6 इंटू एक्चुअली 5.98, सो रफली 6 × 10^24 kg/r², ओ ये तो ऐसा लग रहा है कि नाउ इट इज लुकिंग लाइक r², सो r² रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 स्क्वायर, 6.4 × 10^6 स्क्वायर, 6.4 × 6.4 × 10^6 × 10^6, कैलकुलेटर निकालिए और सॉल्व कीजिए। सो फाइनली इट विल बी 6.67, कैलकुलेटर मत निकालिए, अपनी मैथ से सॉल्व कीजिए। इवन मैं आज तक खुद कैलकुलेट करता हूँ और कैलकुलेटर का यूज नहीं करता हूँ, चाहे मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकालूँ। +24 और ये दोनों ऊपर जाएंगे, -12। नाउ 6.4 से डिवाइड करते हैं, 64 से डिवाइड करते हैं 66 को, तो 64 वन जा 64, देखिए एक डेसिमल इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो 64 हो गया ये, फिर 27 बचेगा, 270 हो जाएगा, 64 जा अप्रोक्सीमेटली 1.4। ओ सॉरी, 1 मिनट, 64 वन 64, फिर 27 होगा, ये ऐसे नहीं होगा, 04। एंड देन दिस वन, इसे कितना हो जाएगा? तब तक तो आप लोगों ने कैलकुलेटर से कर भी दिया होगा और मैं अभी भी वही दिमाग चला रहा हूँ। 9 64 9 जा कितना होता होगा? 76 576, तो इट विल बी 0.9 और 76, 24 बचेगा, 3 जा जाएगा और इनटू 10 सिंगल पावर, लग रहा है 9.8 आ जाएगा, आना ही चाहिए, नहीं तो हमें तो आंसर पता ही है ना, इसके आगे अप्रोक्सीमेटली करके 9.8 लिख देते हैं m/s². एनीवे, पर थोड़ा सा ईमानदारी भी चल लेते हैं, 93 4 3 72, तो कैरी 3
93 ones are 93, 94, 95, 96. बच्चों ये है ईमानदारी की दिक्कत, ईमानदारी से इतना आ रहा है। राउंड ऑफ भी कर देंगे, इट इज समथिंग 9 पॉइंट। थोड़ा कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स एक स्टेप और ले लेता, यहाँ एक स्टेप और ले लेता और एक्यूरेट आ जाता। ओ वाओ क्या बात है, ये राउंड ऑफ कर दिया मैंने, हटा दिया उसे, स्किप कर दिया, इसे राउंडिंग ऑफ कर देंगे, इट इज 9.7। तो अगर एक डेसिमल प्लेस और ले लेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए तो 9.8 श्योरली श्योरली आपका आ जाएगा। एनीवे तो ये एक्चुअल कैलकुलेशन से जब मैंने केवल सेकंड प्लेस तक लिया है तो इतना आया है, अगर आप थर्ड प्लेस तक जाएंगे तो 9.8 समथिंग आ जाएगा। जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो अभी पता चली है सी लेवल पे, अब ये सी लेवल का क्या चक्कर है खुद सोचिएगा थोड़ा, 9.81 तक मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना। और व्हेन वी मूव टुवर्ड द पोल्स तो ये 9.9 तक पहुंच जाता है, क्लोज टू 10। एंड व्हेन वी मूव टू इक्वेटर इट फॉल्स टू 9.7। तो इतना वेरिएशन अर्थ पे ही है। तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं वेरिएशन इन जी। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं बट क्लास 9th के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो सिर्फ मैं तीन कैटेगरीज में सिर्फ डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट शेप ऑफ अर्थ, शेप तो जो अर्थ का शेप है इट इज इलिप्सॉइड, ओवल कह सकते हो सिंपल वर्ड में, तो इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। सो दिस इज आर पी एंड दिस इज आर इक्वेटर। सो ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ आर इक्वेटर इज ग्रेटर देन आर एट पोल। नाउ सिंस जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो देखो यहां रेडियस ज्यादा है तो यहाँ जी कम हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। सेकेंड विद हाइट, विद हाइट जब हम अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा, जी एट सम हाइट ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस सम हाइट विल कम इन एडिशन। तो नाउ एज वी नो डिनोमिनेटर हैज इंक्रीज्ड, सो जी एच इज लेस देन जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू हमें पता ही है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया एच हाइट पे, दैट इज वाई जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज डिक्रीज्ड। नाउ विद डेप्थ, यानी स्टूडेंट्स की हम अर्थ में अगर नीचे जाते हैं अंदर जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी हैं कि देयर इज अ माइन एंड वी हैव गॉन इन टू द माइन, सो हाउ विल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। लगता तो ऐसा है क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो आर की वैल्यू अब डिक्रीज हो रही है, तो हमें लगता है कि आर डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो जी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन विद डेप्थ स्टिल जी विद डेप्थ लेस देन जी ऑन सरफेस। ये सेंटर है, यहां तक चले गए, ये सरफेस है, स्टिल जी डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, 11th क्लास में इसका एक अच्छा डेरिवेशन है, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का हो जाता है बट मैं एक सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।
Well, with depth, what is happening? Not only this effective रेडियस इज डिक्रीजिंग, अब केवल इतना अर्थ इफेक्ट डालेगा उस ऑब्जेक्ट पे, बाकी का जो ये शेल बचेगा, इट विल अप्लाई इक्वल इफेक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट. तो इस पे जो इफेक्टिवली, जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे जाएंगे, ये रहा, ये है अर्थ, और जैसे जैसे हम इसमें नीचे जाते रहेंगे, यहां पहुंचे, तो अब ये वाला पोर्शन, इट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड ग्रेविटेशन, ये इसे अट्रैक्ट करने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. फिर यहां पे पहुंचे तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, यहां पहुंचे ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एंड सो ऑन. तो इसे इस तरीके से समझ लीजिए, एट द सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो. तो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ड्यू टू शेप एट पोल्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर. हाइट के साथ ऊपर जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे तो जी डिक्रीज होगा, और डेप्थ में भी जाएंगे तो भी जी डिक्रीज होगा. यहाँ पे मैं एक चीज और कहूंगा, क्योंकि मैंने पहले ये कहा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये जो अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल होता है, या जो अंडर ग्रेविटी मोशन होता है, इट इज कंसिडर्ड एज मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कंसीडर किया जाता है. लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ये तो कांस्टेंट रह ही नहीं गया, बट एज आई टोल्ड यू कि जो हमारे कुछ किलोमीटर्स तक जो जी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं. तो कुछ किलोमीटर के बाद स्लाइटली डेसिमल के थर्ड प्लेस में कहीं जाके वेरिएशंस आने स्टार्ट होते हैं. तो वेल, बट जो भी हम कंसीडर करते हैं वो इतने, अगर हम क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं या बॉडी इज ड्रॉप्ड का मतलब ये होगा कि किसी बॉडी को अगर हमने ड्रॉप किया है तो किसी हाइट से हमने उसे ड्रॉप किया है, किसी हाइट से उसे ड्रॉप किया है, वो हाइट विद इन लिमिट होगी, जो हमारी ऑर्डिनरी लिमिट्स होती हैं उनमें कहीं होगी. अभी तक हमारे पास जो टॉप सबसे हाई बिल्डिंग है, दैट इज बुर्जे खलीफा, तो वहां तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इतना कोई चेंज नहीं आता इन कंपैरिजन टू इट्स ग्राउंड फ्लोर. तो उससे ज्यादा ऊंचा तो और क्या कहेंगे हम. मोशन अंडर ग्रेविटी, कुछ क्वेश्चंस में फ्री फॉल कंसीडर किया जाता है. फ्री फॉल वेयर बॉडी इज मूविंग अंडर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ओनली एंड नो अदर इफेक्ट इज देयर, तो दैट इज फ्री फॉल. जैसे अगर हम लिफ्ट की बात कहें, तो लिफ्ट जैसे नीचे जाती है या ऊपर जाती है तो उसमें सपोर्टिंग केबल्स होती हैं, उनके जरिए फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशन के इफेक्ट में नहीं होता. ऑलराइट, सो नाउ मोशन अंडर ग्रेविटी, तो दो चीजें हैं. पहला, इफ ओके इफ नहीं, सीधे कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड मोशन. आप कहेंगे वर्टिकल वर्ड, वर्टिकली का क्या मतलब है? तो अपवर्ड मोशन तो ऐसे भी हो सकता है ना, कर्व पाथ में, तो अगर स्ट्रेट ऊपर करेंगे तो वर्टिकली अपवर्ड, स्ट्रेट लाइन में, जो हमारा कॉन्सेप्ट है भी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन. ओके, एंड अदर वन इज वर्टिकली डाउनवर्ड. डाउनवर्ड समझ, आगे समझ लेना, वर्ड भी लिख रखा है. ओके, सो वर्टिकली अपवर्ड मोशन में वी मस्ट हैव टू गिव सम इनिशियल वेलोसिटी, नॉन जीरो. उन क्वेश्चंस में ये दिया रहेगा या निकालना होगा, मतलब अगर वर्टिकली अपवर्ड कोई मोशन है तो डेफिनेटली वहां कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी. ये देखिए, इनिशियल वेलोसिटी है. ऑलराइट,
एट द टॉप। मैं फाइनल वेलोसिटी नहीं कर सकता क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो ये देखिए यहाँ पे भी फाइनल, यहाँ पे वो तो कंसीडर करने पे बात है कि हम कहाँ पे मान रहे हैं, बट एट द टॉप, इफ आई एम कंसिडरिंग एट द टॉप, तो जहां पे मैक्सिमम गया और फिर वापस आ रहा है, जहां पे मैक्सिमम गया ये टॉप मोस्ट पोजीशन थी, तो एट द टॉप वहां पे वो रुका है, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। अपवर्ड गया है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन थी ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा होती है नीचे, तो इसके कंपैरिजन में जो जी है, जो एक्सेलरेशन है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज माइनस जी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज हो जाएंगी, तो वी इक्वल टू यू माइनस जी टी। आप यही याद रखिए, आप कोई नई चीज याद मत रखिए, आप ये याद रखिए वी इक्वल टू यू प्लस ए टी याद रखिए, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यू जो भी दे रखा है निकालना है, ए की जगह माइनस जी दैट इज 9.8 या 10 जो भी कह रखा हो वहां, वैसे अगर स्ट्रिक्टली कह रखा है 9.8 रखने के लिए तो वही रखना पड़ेगा, अदरवाइज 10 रख सकते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाइड फॉर्म इसका ये हो जाएगा, मॉडिफाइड फॉर्म मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं कि इसी को याद करना है, इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी। वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड में दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि इट इज थोन, ये नीचे थ्रो किया गया है ऐसे, और एक हो सकता है ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड रिलीज्ड, ऐसे कई वर्ड होते हैं, ये ड्रॉप किया गया, तो जब ड्रॉप किया तो उस समय इसकी कोई वेलोसिटी थी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये ड्रॉप किया गया, लेकिन थ्रोन में कोई वेलोसिटी भी दी है इसे, जब थ्रोन होगा उसमें यू नॉन जीरो होगा, वी का हम कुछ कह नहीं सकते, बट इतना पता है हमें कि वो नॉन जीरो ही होगा, ये थ्रू आउट द मोशन कहीं वो जीरो नहीं हो रहा, हाँ स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद, एनर्जी लूज करने के बाद वो रुक रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक्सेलरेशन, नाउ इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही होता है हमेशा, तो इस केस में इसे प्लस जी लिया जाएगा एंड वॉट एवर नाउ, तो बाकी के इक्वेशंस ऐसे ही मॉडिफाई होंगी, तो अगर मैं v के लिए यहाँ फॉर्मूला बनाता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और मॉडिफाइड फॉर्म में v इक्वल टू यू प्लस जी टी। नाउ ड्रॉप्ड, इफ इट इज ड्रॉप्ड देन u इक्वल टू 0, u 0 है, v नॉन जीरो होगा डेफिनेटली नॉन जीरो, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही लिया जाएगा, वो 0 था इनिशियली 0 था, लेकिन आगे चल के मोशन में डाउनवर्ड होना है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज 0, सो वी इक्वल टू तो यू प्लस ए टी होना चाहिए, तो वी इक्वल टू 0 प्लस जी टी हो जाएगा, एंड इन द सेम वे अदर टर्म्स विल ऑल्सो चेंज, कई जगह एस को एच से रिप्लेस कर दिया जाता है, इतनी कोई बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं है, एज इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, एच अगर हाइट कह रखा है तो उतना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो उसने चला ही है, तो आप उसे एस से शो कर सकते हैं, नॉट अ बिग इश्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। ऑलराइट, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम टेकन बाई इट टू रीच द ग्राउंड। दूसरे वाले में ड्रॉप किया जाता है, इसमें थ्रो किया जा रहा है, ड्रॉप में कोई वेलोसिटी नहीं बताई जाएगी, ड्रॉप में ड्रॉप किया गया है, और इस वाले क्वेश्चन में थ्रो किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एंड विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मान के चलिए कि 10 दे रखा है, वैसे नहीं दिया रहे, ये कन्वीनियंटली हम 10 ले सकते हैं, एंड अदर देन दैट डिस्प्लेसमेंट हाइट है, डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो, दैट विल बी 100 मीटर। तो हमारे पास तीनों फॉर्मूले हैं, एक तरीका ये हो सकता है कि पहले वी निकालें और फिर उसके बाद, सॉरी वी निकाल नहीं सकते,
हाँ वी निकाल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से, और फिर उसके बाद वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के हम फाइंड कर लेंगे, बट दैट विल बी लेंथ ही। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, यानी कि पहले ये अप्लाई कीजिए और यहां से v निकालने के बाद आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए, ये सिंपली हो जाएगा। आई मीन थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा बट इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी, बट मैं स्पेशली ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज 100, यू टी दैट इज 5t प्लस 1/2 इंटू 10t, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 5t प्लस 5, ओ सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर, 5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड हो जाएगा, रीअरेंजमेंट कर लेंगे। देखिए कुछ बड़ा काम नहीं किया, इसे इधर लिखा है, अच्छा ठीक है ज्यादा स्टेप स्किप नहीं करते, 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर, चाहे इधर लिखा था चाहे इधर लिखा था अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 100, और फिर 100 को भी इधर लाएंगे, सो दैट विल बी 5t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 100। कई स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि अननेसेसरी स्टेप बढ़ा दिए, बट स्टूडेंट्स इवन जब मैं स्टूडेंट था तो टीचर जब स्टेप स्किप करते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी। एनीवे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 20 इक्वल टू 0। फैक्टराइज आई होप आप कर लेते होंगे, मैथ्स आ गई बहुत ज्यादा, इसे क्वेश्चन को जगह नहीं है, इसमें करना पड़ेगा। इस फैक्टर में ये होता है कि इस 20 के फैक्टर बनाइए, तो 20 के फैक्टर 1 × 20 दूसरा हो सकता है इसे डबल करो इसे हाफ करो, तीसरा ये हो सकता है इसे डबल करो इसे हाफ करो, और भी पॉसिबल है बट मेरे काम इतने में बन गया। अब इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखो कि ये 20 बन रहा है कि नहीं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1 बन रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 बन रहा है, तो ऐसा 1 बनना चाहिए जो पॉजिटिव 1 हो, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तभी 5 − 4 हो पाएगा। तो हम इसे लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस 4t, आप 5t भी आगे लिख सकते हैं, प्लस 5t। ओह कुछ बच्चे ये कहेंगे कि यहाँ पे तो प्लस था ही माइनस कैसे हो गया, एक्चुअली हमने इस प्लस 1 को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, माइनस 4 और प्लस 5। तो इस 1 को हमने स्प्लिट अप किया है, तो दैट प्लस 1t इज इक्वल टू माइनस 4t प्लस 5t एंड दैट इज माइनस 20 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, यहाँ t कॉमन आ गया t माइनस 4, इधर प्लस 5 कॉमन आ गया t माइनस 4 इक्वल टू 0, अब t माइनस 4 t माइनस 4 कॉमन आ गया। एक मिनट, ये तो आपके क्लास 8th में रहा होगा, मैं कुछ ज्यादा ही डिटेल में बताने लग गया। नाउ देयर आर टू ऑप्शन, इधर t माइनस 4 इक्वल टू 0 सो दैट इज t इक्वल टू 4 सेकेंड, और t प्लस 5 इक्वल टू 0 सो t इक्वल टू माइनस 5 विच इज नॉट पॉसिबल, सो द आंसर इज 4 सेकेंड, दिस विल बी द आंसर। अगर दूसरा भी पॉजिटिव आता तो दोनों ऑप्शन पॉसिबल थे। नाउ दिस पार्ट, तो इसमें u इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज ड्रॉप्ड, a इक्वल टू g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या बचा, s बचा हमारे पास 100 मीटर, एंड वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला s इक्वल टू, अच्छा जिन स्टूडेंट्स को वैसे खैर इसकी आदत डाल लो, फायदा मिलेगा, मैथ्स में भी फायदा मिलेगा, फिजिक्स में तो मिलेगा ही, अदरवाइज आपके पास ये दूसरा मेथड है, बट कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ये मेथड काम ना करे। s इक्वल टू यू टी, पहले लिख ही लेते हैं, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज 100, यू टी, यू इज 0 तो लिखो ही मत, 0 कर दो, हाफ 10 t स्क्वायर, 5 बचा, 5 अपॉन में आ जाएगा, 100 अपॉन 5 इज इक्वल टू t स्क्वायर, और ये 20 हुआ,
टी स्क्वायर इक्वल टू 20 एंड टी इक्वल टू रूट ऑफ 20। अब रूट निकालना फिर किसी वीडियो में सिखाएंगे। बट 20 का रूट समवॉट 4.3, 4.4 के लगभग हो जाएगा। तो देखिए, जब थ्रो किया तो ज्यादा जल्दी पहुंचा, जब ड्रॉप किया तो थोड़ा लेट पहुंचा। नेक्स्ट दिस वन, पहली चीज ये बता दूं, पहले मैं इस पार्ट का आंसर दे दूं, चाहे वो 10 kg हो चाहे वो 1 kg हो, उसके मोशन में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, इट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कहीं इंक्लूड नहीं है। तो इसमें एक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट भी था, उसने एक कॉइन को और एक बर्ड फेदर को, दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया था और दोनों सेम टाइम में अर्थ पे पहुंचे थे, लेकिन उसके लिए उसे वैक्यूम चैम्बर का यूज करना पड़ा था। इट इज बिकॉज कि जो फेदर है वो तो अर्थ, वो जो एयर का इफेक्ट होता है उसकी वजह से धीमे जाएगा नीचे, लेकिन अगर एयर ना हो तो दोनों दोनों सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखें उनमें मास का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ऑल राइट, तो सेकंड इसका तो मैंने आंसर दे दिया, अब वापस इस पे चलते हैं। तो अपवर्ड थ्रो किया गया है और हम केवल फॉर फॉर अपवर्ड मोशन ओनली लेते हैं अभी, यहाँ पे टोटल टाइम का है तो उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों आ जाएंगे, तो अभी हम अपवर्ड मोशन ओनली ले रहे हैं। ओके, तो अपवर्ड मोशन ओनली, यू इक्वल टू 20 m/s, वी इक्वल टू 0 एट द टॉप एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू -g एंड दैट इज इक्वल टू -10। तो पहले हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस्ट फॉर्मूला इज दिस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज 0, यू स्क्वायर इज 20 स्क्वायर, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, रिमेम्बर 2 10 × s, 400 हो गया, इधर चला जाएगा -400 इक्वल टू -20s, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 सा, तो s इक्वल टू 20 m। आई होप ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं था। हाँ, कई बार हो सकता है आपसे गलती से यहाँ पे ये माइनस माइनस की गड़बड़ हो जाए, आंसर नेगेटिव में आ जाए, थोड़ा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। टोटल टाइम, अभी वर्टिकल मोशन के लिए ही टाइम निकाल लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80, तो v 0, u इज 20 − 10 t, एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस, ओह अभी तक तो मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि टीचर्स टर्म स्किप कर देते थे, और अब मुझे खुद ही मजा आ रहा है इस चीज में। 2 सेकेंड एंड बट दिस इज नॉट द टोटल टाइम, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल टाइम तो लिख लेंगे टोटल टाइम, इसका डबल होगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगेगा, तो 2 × 2, नहीं, ऐसे नहीं लिखते, 2 × 2 आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा, 2 + 2। आप कहेंगे कि इसमें क्या हुआ, 2 × 2 थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं ला रहा, 2 + 2 मीन्स जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे जाने में भी लगा, 2 × 2 कोई ऐसा मिसजज कर देगा, कभी किसी क्वेश्चन में 3 सेकंड आया उसने 3 × 3 कर दिया, तो नहीं प्लस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ग्रेविटेशन, और अगर इसमें कुछ मिस हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि 9th के स्टैंडर्ड से कुछ मिस हुआ है, बट अगर कोई मिस हुआ है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और जो वो लेफ्ट ओवर टॉपिक होंगे उसका हम आगे वीडियो बनाएंगे, और दैट्स ऑल। ये तो ग्रेविटेशन पूरा बुकिश था, लेकिन मैं आगे चल के इस पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में, थोड़ा सा ग्रेविटेशन के बारे में और डिटेल में होगा,
तो वो अपलोड करूँगा, उसे देखिए, उसे देखिएगा आप थोड़ा एडिशनल नॉलेज के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।